देश भर में लॉकडाउन है, जिसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव दिहाड़ी मजदूरों पर देखा जा सकता है। इनमें कुछ लोगों को खाने पीने को लेकर शिकायत है, तो कुछ लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, जिससे रहने और खाने को लेकर प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले मुंबई के बांद्रा में हजारों की तादाद में मजदूर इकट्ठा हुए और उन लोगों ने कथित रूप से अपने घर जाने की मांग की थी। वहीं अब महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से विशेष ट्रेन चलाने की मांग करी है। अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे दिहाड़ी मजदूरों के पास कमाई का स्थायी स्रोत बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई बार इन लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन करके अपनी बात रखने की कोशिश की। बांद्रा में इकट्ठा हुए प्रवासी मजदूरों ने उनके घर जाने की व्यवस्था करने की मांग करी थी। वहीं उद्धव ठाकरे ने इस विषय को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। मंगलवार को उन्होंने कोरोना वायरस संकट की गंभीरता की निगरानी कर रहे मंत्रियों के सामने मजदूरों को घर भेजने की मांग भी उठाई। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और वेंटिलेटर की मांग को भी जल्द से जल्द पूरा करने की भी मांग करी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार बताया गया कि राज्य सरकार ने 6 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने के साथ बाकी व्यवस्थाएं भी की हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। सीएम ऑफिस के बयान की तरफ से कहा गया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि लॉकडाउन 30 अप्रैल से 15 मई तक बढ़ सकता है, तो केंद्र को देखना चाहिए कि वह कुछ विशेष ट्रेन चलाए, जिससे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा सके। मामले में अप्रैल तक गाइडलाइंस जारी करने के बारे में कहा गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि महाराष्ट्र ने पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। वहीं लॉकडाउन बढ़ने से प्रवासी मजदूरों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन जरूरी है। वहीं अगर कुछ मजदूर अपने घर जाना भी चाहते हैं, तो उन्हें ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर भेजा जा सकता है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है, तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।